वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 12 क्षेत्र मिति। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है घन घनाभ शीर्ष कोर फलक से परिचय। ये आपका एक घनाभ है और ये एक घन है। देखिए घनाभ में जो आपका ये ऊपर वाला हिस्सा है ये फलक है, घन में भी ये जो चारों तरफ हिस्से हैं वो फलक हैं। साइड वाले हिस्से को हम कोर कहेंगे और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, शीर्ष। इसको हम कोर कहेंगे और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम कहेंगे शीर्ष। जैसे देखिए ये आपका एक घनाभ है तो ये इसका फलक हो गया, है ना, ये एवेंजर वाला ये इसका फलक हो गया। एक फलक यहाँ, एक फलक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। तो इसमें फलक कितने हैं, 6। अब शीर्ष गिनते हैं। देखिए शीर्ष कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, 1 2। देखिए शीर्ष कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, इसको पलट दीजिए, 5 6 7 8। टोटल कितने शीर्ष हैं, 8। फलक कितने हैं, 6। अब हम गिनेंगे इसकी कोरें, कोर कितनी है इसमें, ठीक है, गिनते हैं। देखिए 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। 4 कोर यहाँ हो गए, पलट लीजिए, 5 6 7 8। 8 कोर यहाँ तक आपको पता चल गए। अब देखिए 9 10 11 और 12। तो कोर कितने हैं, 12। तो अब हम इसी चीज को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने देख के समझ लिया। तो ये एक आकृति है, इसमें देखिए कितने शीर्ष होंगे, 8, कितने कोर होंगे, 12 और कितने फलक होंगे, 6। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, यानी घन हो या घनाभ हो, सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक ईटा है, ये घनाभ है, तो इसके भी शीर्ष कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 और नीचे की तरफ भी 4, तो 8। कोर कितने हैं, अभी हमने गिने, 4 ऊपर 4 नीचे और 1 2 3 4 इधर, तो टोटल 12। फलक कितने हैं, 6। इसी तरह इस डाइस में शीर्ष 8, कोर 12 और फलक 6। घन, सही पर सही एवं गलत पे गलत का चिन्ह लगाइए। घन एक त्रिविमीय यानी 3D आकृति है, सही। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में समान होती है, सही। घन में 6 फलक होते हैं, बिल्कुल सही। घन में 6 शीर्ष होते हैं, गलत। शीर्ष कितने होते हैं बच्चों, 8। घन में 8 कोरें होती हैं, गलत। कितनी कोरें होती हैं, 12। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए ए भुजा के घनाकार बॉक्स को काटकर खोला गया है, चित्र में देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब आपको चित्र में इसको खोल दिया, उसके बाद उत्तर देने हैं। बॉक्स में कुल कितने वर्गाकार तल हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं, 6। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, अब सारी भुजा ए है तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। तो सभी वर्गों का क्षेत्रफल, तो 6a² यानी 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो इससे हमें सूत्र मिला, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल, यानी 6 गुणे भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम 1 और 6 से गुणा कर देंगे, तो इस पूरे घन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणे भुजा का वर्ग यानी 6a². घनाभ, घनाभ एक त्रिविमीय आकृति होती है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ उसके सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है, सभी फलकें आयताकार होती हैं। यहाँ एक घनाभकार बॉक्स को काट कर फैलाया गया है। अब देखिए ये एक घनाभ है, इसको इन्होंने काट के फैला दिया, तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये जो 2 है वो 4 के बराबर है, ये जो पाँचवा हिस्सा है वो 6 के बराबर है, और ये जो 1 है वो 3 के बराबर है। नेक्स्ट में कह रहा है सेम फिगर आपको दिया है बच्चों, इसको इन्होंने फैला दिया है और इसके साथ इन्होंने इसकी लंबाई चौड़ाई लिख दी है। देखिए ये वाला हिस्सा एच है सबका, ये लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है। अब हमें क्या बताना करना है कि घनाभ में सम्मुख फलकों के 3 युग्म हैं, उन्हें अंकित कीजिए। ऊपर, तो ऊपर देखिए 6 था, नीचे 2, आगे 3 था, पीछे 4, दाएं तरफ 5 था और बाएं तरफ 1।
अब कह रहा है आयताकार फलक दो का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल बी, आयताकार फलक छः का क्षेत्रफल ये भी एल बी हो जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए दो का ये आपका है एल और ये एरिया है आपका बी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल इंटू बी। फिर कह रहा है आयताकार फलक एक का क्षेत्रफल और आयताकार फलक पाँच का क्षेत्रफल, तो देखिए एक का क्षेत्रफल क्या होगा, अब ये बी है और ये एच, तो बी गुणे एच यानी बी एच, पाँच का भी सेम हो जाएगा बी एच। इसी तरह से आपका चार और तीन का क्या होगा, एल एच, तो उसी को हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। आयताकार फलक एक का क्षेत्रफल बी एच, फलक पाँच का क्षेत्रफल बी एच, आयताकार फलक तीन का क्षेत्रफल एल एच और आयताकार फलक चार का क्षेत्रफल एल एच। अब हम क्या करेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो घनाभ का सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग क्या हो जाएगा, देखिए दो टू एल बी प्लस टू बी एच प्लस टू एच एल, अब टू को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी इसको हम कह सकते हैं दो लंबाई गुड़े चौड़ाई धन चौड़ाई गुड़े ऊंचाई धन लंबाई गुड़े ऊंचाई। निम्नांकित सारणी में घन के कोर की माप दी गई है, प्रत्येक घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो घन के कोर की भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणे भुजा का वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे 3 का वर्ग यानी 6 गुणे 9 यानी 54 वर्ग सेंटीमीटर। अगर कोई घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, 6 गुणे भुजा का वर्ग यानी 6 गुणे 5 का वर्ग, 6 गुणे 25 यानी 150 वर्ग सेंटीमीटर। 7 मीटर है तो 6 गुणे 7 का वर्ग यानी 6 गुणे 49 यानी 294 वर्ग मीटर। एक घनाभ के आकार के बॉक्स की लंबाई 36 सेंटीमीटर चौड़ाई 17 सेंटीमीटर ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई, तो 2 ब्रैकेट में 36 गुणे 17 प्लस 17 गुणे 11 प्लस 36 गुणे 11। सॉल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 612 धन 187 धन 396 2 गुणे 1195, उत्तर आ जाएगा हमारा 2390 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है रविंद्र के कमरे की लंबाई 4 मीटर चौड़ाई 3.5 मीटर ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी चारों दीवारों पर 17 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 2 ब्रैकेट में 4 धन 3.5 गुणे 3 हल कर लेंगे आ जाएगा 45 वर्ग मीटर, तो खर्च कितना होगा 45 गुणे 17 यानी 765 रुपए कुल खर्च होंगे। 4 सेंटीमीटर वाले घनाकार ठोस आकृति से 2 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी घनाकार आकृति बनाई जा सकती है, 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 64 घन सेंटीमीटर, जबकि 2 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 घन सेंटीमीटर, तो घनों की संख्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या बटा 2 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या, तो 4 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या है 64 बटा 8, उत्तर आ जाएगा 8 यानी कुल 8 घनाकार आकृतियां बनाई जा सकती हैं।